बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में जो वीज़ा एक्सटेंशन का जो मामला था, माशाल्लाह ये बहुत ही खुशी की बात है कि वीज़ा काम एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जिस तरह इस पे काम कर रहा था, लोगों के साथ जुड़ रहा था, लोग हमसे जुड़ रहे थे, लोगों की तकलीफ़ देख के यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं आप लोगों के लिए करूँ क्या। मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की जवाहरात तक बात पहुँचाने की, सऊदी जवाहरात तक, कि लोगों का वीज़ा काम एक्सटेंशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, आप इसका जवाब दें, और नहीं तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे इसका जवाब दें, या तो फिर आप इसका वीज़ा काम एक्सटेंशन लोगों करें। क्योंकि जो मेरे पास जो केसेस आए, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए जिनका वीज़ा काम एक्सटेंशन नहीं हुआ, और बेचारे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस गए थे जिसके वीज़ा काम एक्सटेंशन के बीच में। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुशी की बात है कि वीज़ा काम एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। पर कब मेरे पास जो केसेस आ जाए हैं, किसी का 8 घंटा, किसी का 6 घंटा, किसी का 5 घंटा, यहाँ तक कि 5 घंटे वाले भी केसेस आए हैं, और किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, यानी पहले भी बड़ा एक्सटेंशन। तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जैसे मैं शुरू में मैं स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, कि वीज़ा काम एक्सटेंशन जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजिंग था कि होगा कि नहीं होगा, हम लोग इंक्लूड हैं कि नहीं सऊदी अरब की बैन लिस्ट में, तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। कि आज जो अकामा वीज़ा एक्सटेंशन मिला, ये एक खुशी की बात है कि 31 जनवरी को किसी को 8 घंटा, किसी को 9 घंटा, किसी को 24 घंटा पहले मिला, किसी किसी को 5 घंटा पहले भी मिला। तो भरी हुई है वीज़ा काम एक वीज़े की, जिनका एक्सटेंशन का सवाल जो थे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। सबको एक ही टाइम पर, सबको एक ही दिन में 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा पहले एक्सटेंशन मिला, सबको माशाल्लाह मिला। और इसके अंदर जिनको नहीं मिला, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि वीज़ा काम एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं अकामा भी है, वीज़ा काम एक्सटेंशन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जो लोगों को सवालात है, हम उस पर ही बात कर लेते हैं, और इंशाल्लाह कल 1 तारीख हो जाएगी, तो कल 1 तारीख हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा प्रोसीजर होगा हम लोग उस पर बात करेंगे, और उस पर हम लोग इंशाल्लाह वर्क भी करेंगे। सब वीज़ा काम और भी बहुत सारी फ़ोटोज़ आई थी जिनको मैं यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ। माशाल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोटो आई थी जिसके सबके वीज़ा काम एक्सटेंशन के सबको वही मिला। तो इसके बाद जो फ़ोटो मेरे पास आई हैं कि वीज़ा काम जिनका एक्सटेंशन नहीं मिला है, उनमें से उन लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग का वीज़ा काम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। नवंबर वाले हैं, और कुछ पर्सन जो है इसके अंदर जो सितंबर वाले भी हैं। अभी नवंबर वाले का भी कुछ पर्सन के काम एक्सटेंशन नहीं हुआ है, जिसके अंदर कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि अगर हम आमिल मंजिली हैं या सबक खास वगैरह है, और मतलब शायद आज़ाद विदेप वगैरह पे आप सदर में काम करते हैं, तो क्या आप लोग का कमा वगैरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो सबका बढ़ेगा, क्योंकि जो मेरे पास जो केसेज आ रहे हैं, आमिल मंजिली के भी हैं, सबा खास के भी हैं, मतलब आज़ाद विदे पे जो सदर में काम कर उनके भी हैं, बढ़ रहे हैं, और जो कंपनी में मुसस्से में हैं या और भी किसी काम में, उनके ही बढ़े हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सबका बढ़ेगा। जब मेरे पास जो केसेज आए हैं, 100 में आज के डेट में 95% मेरे पास पॉजिटिव केस है। सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा काम एक्सटेंशन नहीं मिला, अल्लाह ने चाहा तो उनका भी वीज़ा काम एक्सटेंशन होना शुरू होगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा हम लोग वीडियो की सूरत में आपको बताएंगे। अगर वीज़ा काम चेक कैसे करते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा, क्लिक करके वीज़ा काम चेक कैसे करते हैं आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने वीडियो सबमिट की थी कि वीज़ा काम चेक कैसे करते हैं, मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल स्टेप बाई स्टेप देख के फॉलो करके अपना वीज़ा काम चेक कर सकते हैं। वीज़ा काम सबका बढ़े, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर इंशाल्लाह हम लोग उस पर नेक्स्ट पेज पे हम लोग काम करेंगे कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जवाहरात तक अपनी बातें फिर से पहुंचा सकें। अल्लाह का शुक्र है ये वीज़ा काम एक्सटेंशन शुरू हो गया, 8 ही घंटे का मिला है। ये पुराने डाटे थे जिसे सबमिट करके क्लियर किया गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हो सकता है कल से शुरू हो जाए, परसों से हो जाए, या हो सकता है इस वीक में हो जाए, इंशाल्लाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका वीज़ा काम एक्सटेंशन होने लगे तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे मेंशन करके रखा है, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना वीज़ा काम एक्सटेंशन का जो भी केसेस होगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीज़ा काम एक्सटेंशन हो गया, इतने तारीख तक का हो गया। तो ऐसे क्या होगा कि मैं और भाइयों लोग को बता दूंगा, वो भाई लोग जिनको शायद नहीं पता होगा कि वीज़ा काम एक्सटेंशन शुरू हो रहा है, तो वो बेचारे लोग अपना वीज़ा काम एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी सऊदी अरब आने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, अल्लाह हाफिज़।